आप बीती एक हिंदी हॉरर धारावाहिक है। डीडी चैनल ने शो का प्रसारण किया। डीडी चैनल आमतौर पर ऐसा कुछ भी प्रसारित नहीं करता है जिसमें हिंसा हो या लोगों को धमकाया जाए या ऐसा कुछ भी प्रदर्शित किया जाता है जिसे समाज के लिए नकारात्मक माना जाता है। लेकिन ये धारावाहिक एक साहसिक कदम था, लेकिन एक बड़ी हिट थी। आप बीती के पहले एपिसोड का प्रसारण 5 जनवरी 2001 को हुआ था। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक रवि चोपड़ा ने डरावनी कहानियों की इस श्रृंखला का निर्देशन किया था। शो के हर एपिसोड की अलग अलग कहानियां थीं। विभिन्न एपिसोड के लिए अलग अलग कलाकार थे। आम तौर पर इस्तेमाल किए गए पात्रों के नाम कलाकारों के असली नाम होते थे। आप बीती राष्ट्रीय चैनल के लिए एक बहुत ही खास शो है। 20 के दशक की शुरुआत में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाला पहला हॉरर शो। आप बीती विविध दर्शकों से काफी बड़ी लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहा था। जिस समय ये शो शुरू हुआ वह राष्ट्रीय चैनल के लिए एक स्वर्ण युग नहीं था, क्योंकि उस समय तक कई और निजी मनोरंजन चैनल सामने आ चुके थे। आप बीती एक हॉरर शो था जिसका रनिंग टाइम लगभग 52 मिनट था। ये शो टीवी पर कुछ सीजन में एक ही समय के साथ आया था। रवि चोपड़ा, एक प्रमुख हिंदी फिल्म निर्देशक, उस समय कुछ अनूठा बनाने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने एक हॉरर शो चुना था। ये चैनल के लिए एक बड़ा कदम था और साथ ही चैनल पर इससे पहले कोई भी हॉरर शो नहीं आया था। हालांकि शो को सुपरहिट होने के कारण ये कदम सही तरीके से उठाया गया था। अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कहानियां हैं। शो, जैसा कि कहा गया है, डरावनी कहानियों पर आधारित था। आम इंसान जो आत्माओं और भूतों से सामना कर रहे हैं, शो का मुख्य सार थे। यह एक साप्ताहिक शो था। हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड प्रसारित होता था। पहले सीजन के दौरान इसे सप्ताहांत शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित किया गया था। जब दूसरा सीजन स्क्रीन पर आया तो समय मंगलवार रात 10 बजे बदल दिया गया। सीरियल में कई तरह की कहानियां दिखाई जाती थी। हर कहानी को हल करने के लिए 2 अलग अलग एपिसोड लगते थे। यह एक अलौकिक शो था जिसमें भूत, आत्माएं, काला जादू और अन्य अलौकिक गतिविधियां शामिल थीं। ये बच्चों के लिए नहीं था। कॉमेडी शो और हॉरर शो हमेशा हर पीढ़ी के साथ चलते हैं। हालांकि हॉरर शो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन इसका अभी भी वैसा ही प्रभाव है जैसा 15 साल पहले था। आप बीती शो उन परिवारों पर आधारित था जिनका सामना भूतों और आत्माओं से होता है। यह उतना ही डरावना था जितना कि इन दिनों दूसरे चैनलों पर प्रसारित होने वाला शो। हॉरर शो का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे निर्माताओं द्वारा अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। वह महत्वपूर्ण चीज है शो की तकनीक, क्योंकि हम एक अलौकिक चीज देख रहे हैं जो वास्तविक जीवन में देखने के लिए दुर्लभ है। तकनीकों को सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि यह वास्तविक दिखे। हालांकि आप बीती में तकनीक वैसी नहीं थी जैसी आज हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन एहसास भारत के अन्य हॉरर शो जैसा ही था। जब ये बोर्ड पर आया तो आप बीती ने बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। गृहिणियां, पुरुष, बच्चे जो डरावनी कहानियां देखना पसंद करते हैं, सभी शो देखते थे क्योंकि यह रात और सप्ताहांत में प्रसारित होता था। दूसरा सीजन इसलिए आया क्योंकि दर्शकों ने टीवी पर सबसे भयानक शो में से एक को याद करना शुरू कर दिया। शो का टाइटल ट्रैक भी बेहद प्रसिद्ध था। कोई भी इसे YouTube या गूगल पर आसानी से पा सकता है। आपको अपनी टीवी स्क्रीन से जोड़े रखने के लिए ये काफी अच्छा शो था। मेकर्स ने इसे वीकली शो बनाकर अच्छा गेम खेला है। लोग अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करते थे। प्रत्येक कहानी में 2 एपिसोड थे, इसलिए यदि आप पहला एपिसोड देखते हैं तो आपको आखिरी एपिसोड भी देखना होगा।
यह आज तक डीडी नेशनल्स पर सबसे महत्वपूर्ण शो में से एक था। जानी मानी कंपनी बीआर चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस ने सीरियल का निर्माण किया था। प्रोडक्शन हाउस ने बताया कि अलौकिक घटनाओं के बारे में ये पहला सीरियल है जिसे वे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बलदेव राज चोपड़ा, बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस एक प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस था जिसने कई हिंदी फिल्में और टीवी शो बनाए। टेलीकास्ट की गई कहानियां आम लोगों के भूतों के अनुभव को दर्शाती हैं, जिनसे वे गुजरे हैं। ये ज्यादातर मानव जाति द्वारा देखी गई अलौकिक घटनाओं के बारे में था। ये सीरियल सुपरहिट रहा क्योंकि यह इस तरह का पहला सीरियल था। एक कहानी में आमतौर पर दो एपिसोड शामिल होते हैं, जैसे कि एक दर्शक को अगला एपिसोड देखना होगा यदि वह पहला एपिसोड देखता है। यह आकर्षक मार्केटिंग रणनीतियों में से एक थी। इस शो ने बच्चों से लेकर बड़ों तक कई दर्शकों का ध्यान खींचा। इस प्रकार दर्शकों का ध्यान डीडी चैनल की ओर मुड़ गया। आप बीती पहला हॉरर हिंदी धारावाहिक बन गया जिसे किसी चैनल ने टेलीविजन पर प्रसारित किया। इस शो के प्रसारण की अवधि एक ऐसा दौर था जब डीडी चैनल को कई निजी चैनलों की शुरुआत के कारण दर्शकों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ा, जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम और विकसित तकनीक थी। निर्देशक रवि चोपड़ा को तब यह विचार आया कि उन्हें एक ऐसा धारावाहिक प्रस्तुत करना है जिसे भारत में कोई अन्य चैनल दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है। हालांकि इस शो की शूटिंग के दौरान सीमित तकनीक थी, लेकिन निर्देशक ने ये सुनिश्चित किया कि सीरियल में इतना फील हो कि आज आप बीती देखने पर भी कोई कमी न रहे। आप बीती का प्रसारण शनिवार को रात 9:30 बजे से रात 10:30 बजे तक किया गया। ये समय चैनल का प्राइम टाइम था। पहले सीजन के हिट होने के बाद दूसरे सीजन का भी टेलीकास्ट हुआ और लोग शो को मिस करने लगे, लेकिन दूसरा सीजन मंगलवार रात 10 बजे से रात 11 बजे तक टेलीकास्ट किया गया। दूसरा भी एक बड़ी सफलता थी। डॉक्टर नेहा राजपाल द्वारा गाया गया टाइटल ट्रैक बहुत हिट हुआ।